हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और शाम की आरती हो चुकी है और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इवनिंग रूटीन। तो देखिए, शाम के डिनर की तैयारी हो रही है, तो ये मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। ये छोटे छोटे बैंगन वैसे तो भरवा बनाने वाले हैं, बट मैं भरवा स्टाइल में ही बनाऊँगी। बट इसको बनाने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो इसका पीछे का ग्रीन पार्ट था वो सारा का सारा हटा दिया। उसके बाद मैंने बैंगन को बीच से देखिए दो टुकड़े इस तरीके से कर लिए हैं, और इसी तरीके से मैं इन बैगनों को बनाऊंगी। ये बिल्कुल बनते हैं भरवा स्टाइल में ही है और बहुत टेस्टी बनते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि भरवा बैगन को बनाने में टाइम लगता है और इसको टाइम नहीं लगता। तो मसाले देखिए मैंने रेडी कर लिए, ऑयल डाल के मैंने भुनने भी रख दिया। तो मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्चा, अमचूर पाउडर, नमक डाला है। मसाले भुन गए हैं तो बैगन को डाल के भी उन्हें थोड़ा सा भून लेंगे और ढक देंगे। अब इन्हें भाप में पका लेंगे। सबसे अच्छी बात इन बैगनों की ये है कि ये बनेंगे तो बिल्कुल भरवा स्टाइल में ही, बट ये जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि भरवा बैगन में टाइम लगता है और इन बैगनों को बनने में बिल्कुल भी टाइम लगेगा। तो इन्हें अब ढक देते हैं और इस मेथड से इनको पका लेंगे। इसके बाद मैं खाना सेकने लगी हूँ। बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो शेरू को भी बाहर जाना। और ये जब भौंकता है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अब वो जरूर कहीं से ना जाए बाहर, लाली भौंक रहे हैं। तो मोटर दोबारा चलाएगी? मोटर कहाँ चलाएगी दोबारा? शाम को नहीं, शाम को नहीं सुबह तो चली, पानी भरने के समय नहीं, उसके बाद चली है मोटर। पानी खत्म होने के बाद नहीं, खत्म होने के बाद फिर चली है। हाँ, टंकी खाली हो गई। हाँ, पानी इधर ज्यादा यूज हो रहा है। हाँ, ज्यादा यूज हो रहा है। आज सुबह ने क्या पौधा दिया था, पेड़ों में पानी दिया था? मैं तो कल दिया था। कल दिया था तो शायद फिर नहीं चली होगी दोबारा। तो ये हमारे और हमारे हस्बैंड के बीच में चर्चा चल रही है पानी को लेकर के, क्योंकि इस समय आरओ से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट निकल रहा है, जिसकी वजह से टंकी बहुत जल्दी जल्दी खाली हो रही है। तो उसी बात पे हम लोग बात कर रहे हैं कि शायद उसका फिल्टर चेंज करवाने लायक हो गया है, तो उसको चेंज करवा लिया जाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और दिन में दो बार मोटर चलानी पड़े, क्योंकि सर्दी है तो इस समय इतना पानी का यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी टंकी जो है दो बार भरनी पड़ जाती है। और अभी जो पहले चर्चा हो रही थी वो शेरू की हो रही थी, क्योंकि शेरू ना बहुत ज़्यादा कभी कभी इरिटेट करते हैं। अगर ज़रा सा भी बाहर कोई साउंड होता है तो इतना ज़्यादा भौंकते हैं, और उस समय इनको कुछ भी लालच दो, ब्रेड दो, लड्डू दो, कुछ भी दो, ये अंदर नहीं आते और उसमें बहुत परेशान करते। तो इनको अंदर ला के बांध दिया है, क्योंकि सामने कुछ फंक्शन भी है तो गेस्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भौंक भौंक के सबको परेशान कर रहे हैं। तो बात करते करते मैं आज का पूरा खाना मेरा बन गया है और रोटियां वगैरह भी मैंने सेक ली हैं। तो बस रोटियों को सेकने के बाद मैं किचन क्लीन करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो किचन को कर दिया है क्लीन। अब बारी आ गई है बर्तनों की। तो अब सारे बर्तनों को मैं धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि जो खाना बनाया है वो सारे बर्तन हो गए। हस्बैंड शाम को आ गए थे तो वो चाय वगैरह के बर्तन थे, वो भी सारे धो के रख दे रही हूँ। इसके बाद जो डिनर रह जाएगा तो फिर डिनर के बर्तन होंगे, तो वो डिनर करने के बाद धो लेंगे। तो अभी का जो काम है वो तुरंत के तुरंत मैं करके रखती हूँ, क्योंकि सिंक एरिया जो या किचन एरिया जब गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर वैसे भी गंदा नहीं अच्छा लगता है। तो
मच्छर आ जाएंगे, दरवाजे खोल के चला आता है, जानते हो दिन 50 रात अंदर बाहर करते ही है। लड्डू खाई लड्डू ले। फाइनली मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, सबने डिनर कर लिया है और इसमें बज रहे हैं रात के 11 और पूरा किचन वगैरह क्लीन कर दिया। अभी गर्म कर रही हूँ मैं दूध, तो इसका बनाने जा रही हूँ दही, क्योंकि अभी सर्दियों में दही का कम यूज होता है तो जल्दी जल्दी नहीं जमाते हैं, तो इधर कई दिनों से मैंने जमाया नहीं था तो आज मैं दही को जमा दे रही हूँ, क्योंकि जब यूज नहीं करते हैं तो फिर रखे रखे उसका स्वाद और टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो फिर उसको फिर खाने का भी मन नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो दही को जमा देते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यही है और इसके बाद मैं करूँगी ब्रशिंग, यानी कि जो कि मैं आप लोगों से एक बार और शेयर कर चुकी, रात में मैं ज़रूर ब्रश करती हूँ और अब मैं आपको दिखा देती हूँ घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप देखिए ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं घड़ी में बज रहा है इस समय 11। इनको हो गया है जुकाम, क्योंकि सुबह सुबह नहा के स्कूल जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगती है तो जुकाम हो गया है। आज इनको खांसी भी आ रही है, तो अभी मैं इनको देने जा रही हूँ दूध, हल्दी वाला दूध पियो, तो हल्दी वाला इनको दूध दे देंगे ताकि इनको जो है ठंड वगैरह कम लगे और इनको जुकाम में भी आराम मिल जाए। और कल देखो शायद ना स्कूल जाएंगे, अभी मुझे कुछ पता नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी तबीयत गड़बड़ रही तो ये नहीं जाएंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ उनका हल्दी वाला दूध और जमा देते हैं दही को। इसमें डाल दी है और अब इसे ढक करके रख देंगे, ऐसी जगह रख देंगे जहाँ से कोई इसे हिलाए डुलाए नहीं और छुए भी। चलो तुम्हें क्या चाहिए दही मैंने जमाने रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध। तो दूध को मैंने गैस पर रख दिया और इसमें डाल दिए मैंने आधा स्पून हल्दी और हल्दी डाल करके इसे खौला देंगे और ये दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दी जुकाम के लिए। चीनी पियोगे?
तो दूध को पहले मैं खुला लूँगी और चीनी मैं इसमें बाद में डाल दूँगी, तो कप में चीनी डाल करके इसे मिक्स कर देंगे। और ये आकर के कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं। ये क्या ढूंढ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, ये ढूंढ रहे हैं बादाम, क्योंकि इनको दूध के साथ बादाम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्हें मिल नहीं रहा है कि कहाँ रखा हुआ, तो ये मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी आपको देती हूँ, तो मैं इन्हें बादाम निकाल के दे रही हूँ। तो अभी हल्दी वाला दूध और बादाम पी करके सो जाएंगे, तो इन्हें काफ़ी राहत सर्दी और ज़ुकाम से मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो ये अक्सर आकर किस तरीके से किचन के स्लैब पर बैठ जाता है, और मैं जो काम करती हूँ उससे बड़े ध्यान से देखता रहता है। दूध में खौल आ चुका है, तो अब कर देंगे गैस को ऑफ और इसके बाद डाल देंगे दूध। चीनी मैंने ऑलरेडी कप में डाल दी है, तो बस इसे स्पून से मिला करके इनको दे देंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। अभी भी चटकारे ले रहे लड्डू के, अब कुछ नहीं मिलेगा, चलो कुछ नहीं मिलेगा, जाके अपने बिस्तर में लटोगे। चलो चलो, इनका भी डिनर हो चुका है पर ये भटक रहे हैं अभी भी। क्या चाहिए तुम्हें? अभी तो तुम्हें शेरू ने खाया है अभी अभी लड्डू, और इनको पता हो, देखिए अभी मैं नाम लूँगी लड्डू गाय, ये देखिए लो लड्डू लो। इनको कुछ चीज़ों के नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब नाम इनको ज़्यादा पता है कि ये चीज़ उसको क्या बोलते हैं। ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे कल फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें। ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पर एंड।